डीसीयू के नए बैटमैन की कास्टिंग से लेकर एंटमैन फॉर इटर्नल्स टू और कैप्टन मार्वल 3 की कैंसिल होने तक एंड कैप्टन अमेरिका वर्सेस ब्लैक पैंथर तक बहुत सी खबरें हैं आज। तो लेडीज एंड लेडाज रोटेट योर मोबाइल। तो पहली खबर है कि भाई एंटमैन फॉर इटर्नल्स टू और कैप्टन मार्वल 3 अब लिटरली कंफर्म हो चुके हैं, मतलब कैंसिल हो चुके हैं कि भाई अब इन पे नहीं किया जाएगा काम, क्योंकि भाई मार्वल चाहता है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जिनमें उन्हें पैसा मिले, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स जो लिटरली हिट हो। टेंशन मतलब थॉर 5 वैसे भी बनी जाएगी, बट इससे जितने भी इटर्नल्स के फैंस हैं उनका दिल दुख गया कि भाई वो चाहते थे भाई इटर्नल्स तो ऐसा कैंसिलेशन डिजर्व नहीं करती। भाई पहली बात, इटर्नल्स के फैंस आए कहां से, एंड दूसरी बात, ये एग्जिस्ट करते हैं? तो अगली खबर ये है कि भाई जेक जिलेनहॉल को कंफर्म कर दिया गया है, मतलब कंफर्म ही उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया अपना कि वो डीसीयू में नया बैटमैन का रोल प्ले करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई डीसीयू में नया बैटमैन का रोल प्ले करना उनके लिए एक ऑनर की बात होगी। एंड बैटमैन से याद आया कि भाई पेंगुइन का भी ट्रेलर आ चुका है आज, जिसमें हमें दी बैटमैन की कहानी कंटिन्यू होते हुए मिलेगी। एंड इससे एक और बात याद आई कि भाई दी बैटमैन अब डिले हो चुके हैं पार्ट 2, मतलब दी बैटमैन पार्ट 2 अब देखने को मिलेगी हमें 2026 में। ट्रेलर से याद आया एक बेहद रियलिस्टिक गेम मार्वल 1943 राइज ऑफ फाइटर का ट्रेलर आया है, एंड लोग भाई इसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। एंड इसी गेम में हमें देखने को मिलेगा ब्लैक पैंथर वर्सेस कैप्टन अमेरिका, एंड भाई इसके ग्राफिक्स नहीं क्या बोलते हैं भाई उसे, हाँ ग्राफिक्स अमेजिंग है। एंड इसी से याद है भाई एक्समैन 97 भी रिलीज हो चुके हैं, एंड भाई इसकी रेटिंग भाई गजब है, लोग इसकी भर भर के तारीफ कर रहे हैं। एंड इसी से याद आया कि भाई अगली खबर ये है कि भाई एंथोनी मैकी चाहते थे कि भाई वो फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का सीजन 2 बनाए, ना कि कैप्टन अमेरिका 4, बिकॉज वो भी जानते कि भाई उनकी कैप्टन अमेरिका 4 इतनी अच्छी नहीं होगी तो भाई वो लेगेसी बर्बाद कर देंगे। एंड हमारी अगली न्यूज की भाई आइज ऑफ वकांडा नाम की जो पहली मार्वल की सीरीज होने वाली एनिमेटेड, वो होगी पहली मार्वल सीरीज जो कि कैनन होगी मार्वल एनिमेशन की तरफ से। एंड बाकी जो भी बचे ना मार्वल के एनिमेशन लाइक व्हाट इफ, आइस ऑफ वकांडा, सॉरी फ्रेंडली नेबरहुड, स्पाइडरमैन एंड मार्वल ज़ॉम्बीज़, वो मार्वल में कैनन नहीं होंगी, मींस मतलब कि वो मार्वल की सेक्रेट टाइमलाइन का पार्ट नहीं होंगी। एंड इसी से एक और न्यूज़ कि भाई डेडपूल 3 में साइक्लॉप्स का कैमियो कंफर्म हो चुका है मेरी तरफ से। एंड अगली न्यूज़ कि भाई शक्तिमान के एक्टर मुकेश खन्ना जी नहीं चाहते कि भाई रणवीर सिंह प्ले करे शक्तिमान का रोल, वो चाहते हैं कि भाई कोई और एक्टर इसका रोल प्ले करे, और उनके अकॉर्डिंग शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार कोई प्ले नहीं कर सकता शक्तिमान का रोल। आइडिया बढ़िया है, पर जिस स्टूडियो के साथ आप लोग खेल रहे हो ना सोनी स्टूडियोज, भाई ऐसा ना हो शक्तिमान की मूवी आने से पहले कैंसिल हो जाए। तो ये थी सारी खबरें, जिस खबर ने तुम्हें सबसे ज्यादा रोमांचित किया उसका वर्णन तुम नीचे कमेंट्स में करना, और हाँ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हें अपनी आगे की जमीन, मतलब अपनी जमीन नाम ना करनी पड़े मेरे। तो ये था स्कारलेट ब्यूगल का एपिसोड नंबर 2, मिलेंगे एपिसोड नंबर 3।